हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3। नोट डाउन करिएगा स्टूडेंट्स, इससे पहले 3.1 और 3.2 पूरी तरह से सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं आपके लिए। आपने 10th पास करके साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करी है, क्लास 11th में भी आ चुके हैं और आपने मैथमेटिक्स की स्टडी स्टार्ट कर दी है। यूथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही है और वीडियोस अपलोडेड हो रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस हमारे चल रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि सर फैमिली की इकोनॉमिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से, तो मैंने क्या कर रखा है, मैथ्स मिरेकल पे मैथ्स की जितनी सारी वीडियोस हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हैं हमारे लिए, हम आपके लिए वो वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। आपसे उम्मीद करूँगा कि आप ऐसे ही वीडियो ऑब्जर्व करते रहिए और अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों तक, अपने कलीग्स तक, अपने वेल विशर्स तक जरूर पहुँचाइए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप करते रहिए, ताकि अगर कुछ कहीं पे कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो मैं अपने आप को रेक्टिफाई कर सकूं, अपने आप को सुधार सकूं। आइए एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। इसके अंदर कह रहा है आप अपने राइट टॉप कॉर्नर पे, उधर राइट टॉप कॉर्नर पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन उधर लटक रहा है। वो कह रहा है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन में आपको क्या करने हैं, प्रूफ ही करने हैं। तो आइए बारी बारी से सारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है स्टूडेंट्स, 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस हाफ, प्रूफ करना है आपको। हम LHS की बात करेंगे हम, और सीधा आपको कोशिश करेंगे कि आप सीधे क्लास 10th के अंदर जाइए। क्लास 10th में अगर आपने ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल याद करा होगा या आपको मगअप होगा या आप लर्न कर रखे होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू, यानी पाई बाई 6 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो देखो पाई बाई 6, देखो एकदम आराम से समझना, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, आप सबको पता है पाई। अगर इसमें हम इधर 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, चूंकि अगर जो काम हम एक तरफ करेंगे उसको दूसरे तरफ भी करना पड़ेगा, तो यहां पे आपको मिलेगा पाई बाई 2 और इधर आपको मिल जाएगा 90 स्टूडेंट्स। बट यहां पे देखो पाई बाई 6 है ना, तो बात अभी बना नहीं है। अगर इसको ऐसे छोड़ के अगर इसी वाली बात को पाई बाई 3 से डिवाइड कर दो, एक स्टेप बढ़ा के स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी हमें 3 से करना पड़ेगा, जो कि आपको मिल जाएगा 60। अगर 180 अपॉन 3 करेंगे स्टूडेंट्स तो मिल जाएगा आपको 60। उसी तरह से अगर हम पाई बाई 4 करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिलेगा, आप देखो ना, 180 अपॉन 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा 45। इसी तरह से पाई बाई 5 करोगे स्टूडेंट्स, पाई बाई 5 करोगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा स्टूडेंट्स पाई बाई 5 को पाई बाई 6 कर देता हूँ ना, 5 करेंगे तो एक्जैक्टली देखिए, अगर 5 करेंगे तो 1, अगर 5 करके देखते हैं तो करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 + 15 3 + 4 = 5 36 डिग्री हुआ। और अगर हम पाई बाई 6 करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा, 180 अपन 6 करोगे तो दिस विल बी 30 डिग्री। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको खुद ब खुद आपको ध्यान देना है कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे रेडियन मेजर में चल रहे हैं, सारे के सारे रेडियन में हमें बता रहा है, तो हमें डिग्री में खुद ब खुद आपको आइडिया लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखो पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री और पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, ये आपको पता है। और यही वाली चीज अगर आप क्लास 10th में जाकर के ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल में अगर आप उसकी वैल्यू देखेंगे तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए तो हम यहां बात करेंगे पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर, मांगते हैं स्क्वायर दे देंगे आप, बड़ा आराम से बड़ा तसल्ली से देखना है। cos पाई बाय 3 का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या, कॉस पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री और कॉस 60 का मतलब होता है 1/30, यानी साइन 30 की वैल्यू होती है। उसी तरह से टेन पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टेन पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो टेन पाई बाई 4 क्या होता है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर कर देना। बस अब करना कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, अब तो सिर्फ एलसीएम निकालना है और आपका आंसर है। देखो ना, इसको स्क्वायर करोगे, 1 को 2 बार करोगे तो 1 ही मिलेगा और 2 को 2 बार करोगे 4 मिलेगा, इसी तरह से 1 को 2 बार करोगे 1 मिलेगा, 2 को करोगे 4 मिलेगा, 1 को 2 बार करोगे 1 करोगे। अब इन सब का एलसीएम लोगे 4 और 1 का हम 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, 1 और 2 बाई 4 हो जाएगा, ये माइनस 1 को यहां छोड़ दिया है, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये सीधा 4 यहां चला जाएगा एलसीएम में, तो 2 माइनस 4 अपॉन 4 हो जाएगा। अब देखो 4 में से 2 जाएगा माइनस 2, 2/2, और इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस हाफ आएगा, जो कि आरएचएस है, आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रूव्ड है स्टूडेंट्स।
हमारी आगे बातचीत चल रही है स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर टू पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू बोलता है साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉसिक स्क्वायर पाई सेवन पाई बाई सिक्स इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री का वैल्यू जो है वो थ्री बाई टू आना चाहिए, चूंकि एल एच एस बराबर आर एच एस बात हो रहा है। तो कुछ नहीं स्टूडेंट्स, पाई बाई सिक्स का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, देखो टू साइन स्क्वायर ये ऐसे लिख रखा है और सेवन पाई बाई सिक्स को हमने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है और इस तरह से खोलने की कोशिश करिए। सेवन और पाई बाई सिक्स को थर्टी बोलते हैं और कॉस स्क्वायर पर इसको ऐसे रहने दिया। अब हम पेज पलट के देखते हैं आगे क्या है। आप यहां देखेंगे आराम से तो देखो शुरुआती वाली जो वैल्यू है ना, शुरुआत वाली जो 7 पाई बाई 6 की वैल्यू यानी 30 डिग्री हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 बाई 2 होती है इसकी वैल्यू। तो इसको स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह से कॉस स्क्वायर 210, अच्छा 210 के लिए हमने पहले ही आपको बताया स्टूडेंट्स, 210 का वैल्यू अगर मैं बात करूँ आपको इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में अगर आप बात करेंगे तो 210 के लिए आप जरा आराम से देखिए, अगर मैं बात करूं 210 का तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था आपको 90 से डिवाइड करना होता है स्टूडेंट्स इसको। तो देखो 9 दूना 18 9 3 7 दो बार ही जाएगा ना स्टूडेंट्स, 180, तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 30। तो अब इसको कैसे लिख सकोगे आप, देखो 90 × 2 और प्लस 30, यही तो लिखोगे स्टूडेंट्स है ना, और यही फिर आकर के देखो 90 × 2 प्लस 30 डिग्री, ये कॉसेक स्क्वायर, स्क्वायर तो बाहर है। अच्छा ये देखो आगे का जो वैल्यू था यहाँ पे वो था कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू होता है कॉस में 1/2, इसका स्क्वायर कर देना है। अच्छा कॉसिक स्क्वायर 90 × 2 प्लस 30 करोगे स्टूडेंट्स, तो इस वाली का वैल्यू आपने पहले प्रीवियस वाला एक्सरसाइज आप देख दें, जाके देखना अबाउट सेक्शन में आप जब जाएंगे तो प्रीवियस एक्सरसाइज के वॉल्यूम नंबर 2 आप देखना, उसमें आपको ये सारे कुछ सब कुछ क्लियर हो जाएंगे जो कि आपको यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कॉसिक 30 हुआ, कॉसिक 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है स्टूडेंट, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाती है और ये 1/2 यहाँ पे है। अब इसका एलसीएम लेकर के आप जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट 1/2 + 1 और इस तरह से 1/2, ये 2 + 1 ये 3/2 आपका आरएचएस है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हम थर्ड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि कॉट स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 ये 3 tan² π/6 = 6, आपको 6 प्रूफ करना है स्टूडेंट। देखो तो कॉट पाई बाई सिक्स यानी 30 डिग्री, ये हो जाएगा √3, आपको याद है फॉर्मूला ना। अच्छा इसको करेंगे 5/6 प्लस इंटू पाई यानी 180 को डिवाइड करोगे तो 30 टाइम जाएगा, तो 5 × 30 करोगे तो इसको फिलहाल 150 हो जाएगा, वो बाद में बात कर लेंगे। और 3 और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू था 30 डिग्री यानी 1/√3, और इसका जब वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बचा है स्टूडेंट, ये हो गया 90 × 6, देखो ये 150 हुआ ना, 5 × 30 = 50 यानी वह 150 को 90 + 60 करोगे तो 130 हो जाएगा, तो कॉसेक 90 + 30 ये क्या कॉसेक क्या हो जाता है, सेक में चेंज हो जाता है ना। आप प्रीवियस वाला जरूर वीडियो देखना, उसमें आपको पता चलेगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर कॉफी, आफ्टर शुगर टू कॉफी, ये वाला जो मेथड हमने बताया प्रीवियस वाले में, उसमें जाके देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से करेंगे। यहां पर आप देखो सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये 1 बाहर से है, 3 और 3 6 हो गया जो कि आपका प्रूव्ड है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कह रहा है 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 और प्लस 2 cosec² π/3 और tan वैल्यू आपको लाना है। LHS आप पकड़ लोगे, 2 sin² 3π/4 को आप जब करोगे स्टूडेंट तो ये आपको 45 डिग्री मिल जाएगा, और 45 डिग्री का क्या हो जाएगा अब बाद में देख लेंगे। और ये 2 sec² π/3 यानी कि ये 60 डिग्री हो जाएगा, sec में पाई बाई थ्री का 1/√2 और इस तरह से स्क्वायर करेंगे। और ये देखो ना sec पाई बाई थ्री यानी sec पाई बाई थ्री की वैल्यू 2 होता है, 2 cos² करोगे तो ये हो जाएगा, और ये था cos π/4 का यानी 1/√2 45 डिग्री का। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे, देखो 2 का 2 और sin² का sin² 135 को आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, तो 135 को आप जब ब्रेक करोगे तो 19 × 1 + 45 कर सकोगे है ना, 2 तो 2 अपने पॉइंट पे है, इसको जब स्क्वायर ब्रेक करेंगे स्टूडेंट तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और ये 2 × 2 = 4 × 4 = 8 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो ना, अब अगर हम बात करेंगे तो 2 sin² ये इस वाले बात को देखो, साइन 90 + थीटा क्या हो जाता है स्टूडेंट, कॉस थीटा है ना, और कॉस थीटा यानी कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 बाहर से चला आ रहा है और इसका आपको स्क्वायर करना है। उसके बाद देखो इधर आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका 5, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये 5 नहीं हुआ 8 और 1 9 हुआ स्टूडेंट्स 9। तो आप देखो अगर स्क्वायर करोगे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बजेगा 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा का सीधा 9 और यहाँ पे आपका 1 बच गया, तो 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10 जो कि आपका पूरा कंप्लीट आंसर है ना। तो ये एक तरह का पूरा का पूरा सेट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 4 तक ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, तो इस
इस वीडियोस को अब यहीं पे छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हो सकता है ये 10 मिनट की वीडियो होने जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सारे बिल्कुल समझ में आए होंगे। हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड हम पूरा का पूरा एक फॉर्मूला का फॉर्मुलेशन भी करेंगे स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा आपको फॉर्मूला लिख के देंगे, समझाएंगे कि कैसे और कब यूज होता है ना, तो उस पर भी आपकी नज़र बनी होनी चाहिए। लगातार 11th की क्लास की मैथमेटिक्स की क्लासेस अपलोड करी जा रही है, वीडियोस बना के डाली जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पर डे सुबह शाम आप घूमने आइए मैथ्स मिरेकल पर। ये 10 मिनट का वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, और आपका जो अचीवमेंट है, आपकी जो अचीव है, आपका जो गोल है, उसको टारगेट हिट करने में आपको बहुत ही मदद करेगा। मैथ्स मिरेकल की पूरी गारंटी लेता है, मैथ्स मिरेकल का ये वादा है आपसे। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद।